स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे विंड पावर के बारे में। हमने पहले ही डिस्कस किया है सोलर पावर के बारे में, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं विंड पावर के बारे में। तो विंड पावर है क्या, आपको कुछ समझना नहीं। विंड पावर बस सोलर पावर ही है। सूर्य की गर्मी से जो टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, जो तापमान में बदलाव आता है, जैसे एक जगह गर्म हो जाएगा एक जगह ठंडा रह जाएगा क्योंकि वहाँ सौर्य ऊर्जा नहीं जा रही है, तो उस कारण से ऐसा होता है कि हवा चलने लगती, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट को नेचर नहीं बर्दाश्त करता है, उसको बैलेंस करना चाहता है, हर चीज़ को बैलेंस रखना चाहता है। तो वो जहाँ हॉट एयर जो है वो कोल्ड एयर की तरफ मूव कर जाती है, तो उससे हमारा विंड आता है। इसमें और ऐड होते हैं कि हमारा अर्थ जो पृथ्वी है वो घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, और चूंकि ग्रेविटी के चलते एटमॉस्फेयर चिपका तो हुआ है लेकिन एटमॉस्फेयर ग्लू नहीं है, मतलब ठोका हुआ नहीं है जमीन पे, तो वो फिसल रहा है, तो इससे हमें और विंड पावर मिलता है। और ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, आप पतंग उड़ाते हैं, मतलब आपको पता है, मतलब इनहेरेंटली आप अंदर से जानते हैं कि विंड पावर क्या है। हम लोग पुराने नाव में एसी का इस्तेमाल करते थे, विंड टर्बाइन तो गेहूं पीसने के लिए या ये सब करने के लिए बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है विंड पावर का इस्तेमाल करना, हम लोग को पहले से ही पता था। तो विंड पावर से बिजली निकालना में आपको सिर्फ दो चीज़ करना होता है, आपको टर्बाइन लगाना होता है, जैसे ये सब ब्लेड है इसे टर्बाइन कहा जाता है, टर्बाइन को आप जनरेटर में लगा देते हो ना। जनरेटर में जैसे मान लीजिए आपका छोटा टर्बाइन है, आप 5 किलोवाट का आप अपने घर के लिए लिए, तो उसमें आपका टर्बाइन जो है जनरली डायरेक्टली जनरेटर से लगा रहेगा। और अगर बड़ा है, मतलब सोलर फार्म में है, 1-2 मेगावाट का है, तो जनरली टर्बाइन को डायरेक्टली जनरेटर से नहीं जोड़ा जाता है, उसको एक गियर बॉक्स से जोड़ा जाता है। गियर बॉक्स में ब्रेक भी रहता है और गियर बॉक्स से RPM भी स्टेबलाइज हो जाता है। और अगर बहुत सारे इस तरह के बड़े वाले, मतलब भरपूर साइज़ के 1 मेगावाट या 2 मेगावाट के साइज़ के आपके टर्बाइन है खूब सारे एक जगह पर लगाए, तो उसे हम लोग कहते हैं विंड फार्म, वहाँ से बिजली निकाली जाती है। तो ये है विंड फार्म। तो आगे आपको ये समझना होगा, हर चीज़ का एंड में हिसाब ये आता है कि पैसा कैसा लग रहा है इसमें, मतलब आपको कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई बोलता है कि मुझे लेना है पृथ्वी से, किसी को कोई लेना देना नहीं है, सवाल है कि पॉकेट पे क्या असर पड़ रहा है। तो आपको मैं ये सीधा सीधा बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने सोलर के बारे में बताया था कि सोलर कुछ साल बाद हम लोग सोलर से ही बिजली बनाएंगे ज़्यादा करके, क्योंकि कोयले का दाम बढ़ता जा रहा है, सोलर का दाम घटता जा रहा है, तो वो एकदम क्रॉस करने पर आ गई है। और आप देख सकते हैं, आप इसका असर आज देख सकते हैं, मतलब इंडिया कुछ साल पहले बेयरली किसी तरह 100 मेगावाट बना रहा था सोलर से, अभी एक एक पावर प्लांट हम लोग जो बना रहे हैं वो है 800 मेगावाट का। राजस्थान में एक पावर प्लांट पे अभी काम चल रहा है जो कि 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, चलिए 2025 तक भी हो जाए तो वो 10,000 मेगावाट का है, मतलब अपने पास तो कोई हाइड्रो मतलब डैम भी नहीं है जो उतना पावरफुल है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब क्योंकि दाम से ही एंड में फ़र्क पड़ता है दाम से। अब कोयला का दाम बढ़े जा रहा है, मतलब नदी से पानी कम होए जा रहा है, तो कि मतलब बारिश कम हो रही है, मतलब इस साल भी मानसून काफ़ी हल्का रहा, और मतलब आप बोलोगे नहीं कहीं बाढ़ आया, लेकिन पूरे इंडिया में मानसून कम पड़ रहा है, तो कहीं एक जगह पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और 90% जगह में कम ही पड़ रहा है। तो हिसाब लगा के, टोटल लगा के, हमारे नदी भी अब उतने स्टेबल नहीं रह गए कि मतलब नदी से पानी बिजली आ रहा है और मतलब एकदम श्योर हो। गर्मी कई बार तो गर्मी में डैम बंद करने पर आ जा रहे हैं, मतलब हमारे पास नहीं है आंख बंद करके बिजली, जो न्यूक्लियर बचता है, सोलर बचता है और विंड आता है। तो विंड का एक चीज़ आपको समझना, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे लगा दिए विंड फार्म, तो आपका ज़मीन ख़त्म नहीं हो जाता, सोलर में ज़मीन ख़त्म होता है। मैंने बताया कि सोलर में फ्यूचर में ऐसा किया जाएगा कि उसके ज़मीन में कुछ किया जाए, मतलब उसको ऊपर लगाया जाए, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी उतना प्रॉफिट नहीं है। विंड में कुछ ऐसा नहीं करना, वो हमेशा से आपको ज़मीन खाली छोड़ देता है, मतलब आप खेत में विंड फार्म लगा सकते हैं, मतलब हर हेक्टेयर पे आप एक ठो लगा देते हैं, मान लीजिए छोटा सा विंड फार्म, आपको कोई टेंशन नहीं, आप आराम से ट्रैक्टर चलाइए ज़मीन पर खेती कीजिए, आपको बिजली भी मिल रहा है, डबल प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगा उसके चलते। लेकिन विंड फार्म बहुत ज़्यादा कैपिटल खाता है, मतलब पर मेगावाट अगर आप देखना चाहें, क्योंकि एक ही सब टर्बाइन जो है मतलब 1 मेगावाट से लेके 10 मेगावाट के अंदर तक के आते हैं अभी तक का, मतलब और दूसरे टर्बाइन पे काम किया जा रहा है जो लगभग 20 मेगावाट एक टर्बाइन देगा, लेकिन अभी वो प्रोडक्शन नहीं आया, अभी इस प्रोडक्शन का सबसे बड़ा जो है वो सिर्फ 9 मेगावाट तक का है। तो वो सब बहुत महंगे होते हैं, अंधेर महंगा कहना सही बात होगा, मतलब कई 100 करोड़ लग जाते हैं एक टर्बाइन पर, और आपको फार्म बनाने के लिए कई 1000 चाहिए, तो कैपिटल खर्चा बहुत आता है, भरपूर आता है। तो इसलिए मैंने सोलर के बारे में ये बताया था कि सोलर का दाम लगभग मैच करने पाके इसका बहुत दूर है। तो चलिए आप बोलिएगा ठीक है यार पैसा लगा देते हैं, कई 100 मेगावाट मिलता रहेगा, मतलब दिन भर में चल रहा है और रात को भी चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, आराम से बिजली आ रही है, पैसा रिकवर हो जाएगा, वो सब ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि ये मेंटेनेंस भी खाता है,
सोलर पैनल में कोई चीज़ हिल नहीं रहा है, कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही है, उसमें कुछ भी चीज़ है नहीं जो ख़राब होगा। इसमें मोटर चल रहा है, मतलब जनरेटर आपका घूम रहा है जिसमें वाइंडिंग है, वाइंडिंग में इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। मतलब आप देखते होंगे मोटर आपका ऐसा नहीं है ना, पंखा का मोटर में कोई ब्रश नहीं होता लेकिन फिर भी शॉर्ट करता है ना कभी ना कभी। तो जितने चीज़ में मोशन होगा कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है, और ये सब टर्बाइन का रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत आता है, भरपुष्ट आता है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये सस्ता है, बस इसका ये है कि जिस ज़मीन पर लगाएं वो ज़मीन आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। बस नुकसान ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा पैसा खाता है और उसके बाद मेंटेनेंस का भी बहुत पैसा खाता है। तो अगर इतने नुकसान हैं तो सब लोग इसके पीछे पागल क्यों हो रहे हैं? तो आप ये समझिए कि ये 24 घंटा बिजली देता है। सोलर का आप कितना भी कर लिए, चलिए आप ऐसा कर लिए कि आपका सोलर पैनल 12 घंटा बिजली दे दे रहा है, रात को तो कुछ नहीं कर सकता ना, मतलब ख़त्म, रात को तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो उस हालात में आप ये समझिए कि ये इसका अट्रैक्शन इतना क्यों है कि भैया ये बिजली देगा, रात को भी देगा, और ये सबसे नज़दीक है बेस लोड पावर का। मतलब कि आपने एक विंड फार्म बनाया जिसका आपने अच्छे से स्टडी किया, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी टरबाइन डाल देगा, ऐसे नहीं, मतलब आपने अच्छे से स्टडी किया, आपने वहाँ उस जगह का एटलीस्ट 1 से 5 साल तक का स्टडी किया कि उस जगह का विंड पैटर्न क्या है। जब आपको मिला कि हाँ ये एकदम स्टेबल है, ये एकदम इस तरह से चल रहा है, मतलब आप एकदम आँख बूंद करके श्योर होंगे, तभी आप वहाँ विंड फार्म बनाएं, बड़ा खास करके, छोटा तो आप कहीं पर भी बना सकते हैं। तो बड़ा बनाने की वजह से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये केलरा में है, और इस तरह के फार्म 24 घंटा बिजली देते हैं। प्लस ये जैसे मान लीजिए ये प्लांट है 800 मेगावाट का, तो वो बोलेगा भैया हम 600 मेगावाट ग्रिड में कभी भी दे सकते हैं, मतलब 600 मेगावाट इसका बेस लोड कैपेसिटी माना जाएगा। और ये सोलर के साथ नहीं कर सके, क्योंकि सोलर आप कितना भी कर लो, कितना भी ओवर बिल्ड कर लो, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बना दो, लेकिन रात को तो वो जीरो ही चला जाता है, ये जीरो नहीं जाता। इसलिए सबसे इस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है कि भैया ये रात को बिजली देगा। दिन में चलिए आपका सोलर से काम हो गया, दिन में जब जो पीक डिमांड होता है वो आप संभाल लिए, रात को ये संभाल लेगा। तो आइए भविष्य में क्या देखेंगे। तो आप ये समझिए कि हम लोग बहुत बड़े बड़े फार्म देख रहे हैं। ये चाइना का एक फार्म है जो अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8000 मेगावाट का फार्म है, और समझ सकते हैं ये नंबर छोटा नहीं, 8000 मेगावाट मतलब आप एक दो स्टेट को संभाल सकते हैं आँख मूंद करके, तो इतना बिजली बना रहा। और ये फार्म को ऐसा भी नहीं कि हो गया इनका फार्म, ये फार्म का फाइनल टारगेट है 20 गीगावाट, मतलब 20000 मेगावाट के हिसाब से ये बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये तो बन रहा है, प्लस आप जो टर्बाइन है पर टर्बाइन अगर आप बहुत बड़ा बनाते हैं तो आपको प्रॉफिट बढ़ जाता है, लेकिन साइड इफेक्ट होता है कैपिटल बढ़ जाता है, मतलब कैपिटल कॉस्ट बहुत लगने लगता है, रिटर्न जल्दी आए लेकिन कैपिटल आपके पास, मतलब उतना बड़ा लोन लेने का हिम्मत होना चाहिए। तो जैसे ये टर्बाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो 9 मेगावाट अकेले पैदा कर सकता है, मतलब एक टर्बाइन 9 मेगावाट पर प्रोड्यूस कर सकता है। तो और अभी और टर्बाइन पे काम किए जा रहे हैं, डिज़ाइन में काम किए जा रहे हैं जिसमें शायद आने वाला टर्बाइन जो 20 मेगावाट तक एक टर्बाइन पैदा कर सके। तो आप देख रहे हैं अब उसके आगे ये होगा कि हम लोग समुंदर में इसको लगाना चाह रहे हैं। इससे फ़ायदा ये है कि समुंदर का वेदर पैटर्न जो है वो काफ़ी स्टेबल होता है, उसको समझा जा सकता है, उसको मतलब हम लोग समझिए कब से, मतलब 1800 सदी से या 1500 सदी से मतलब समुंदर का हवा को इतना अच्छा समझ लिए कि उससे ट्रेड राउट बना लिए कि मतलब इस यहाँ पे इस तरह का हवा मिलेगा इस तरह से। हाँ, चेंज होता है, ऐसा नहीं कि एकदम कोई चेंज नहीं है, एकदम आँख मूंद करके स्टेबल है, वो सिर्फ जेट स्ट्रीम में वैसा होता है, लेकिन मतलब समुंदर में चूंकि पानी समतल होता है, मतलब पानी आप कहीं पे भी रखिए वो समतल ही होगा, हवा जब उसमें चलता है तो आप अच्छे से उसको ट्रैक कर सकते हैं, आप अच्छे से हिसाब लगा सकते हैं कि हवा आ रहा है आपका टरबाइन चलेगा आपको बिजली मिलेगा। ज़मीन में मान लीजिए वहाँ जंगल है, जंगल उसका बिजली मतलब हवा में टर्बुलेंस डाल दिया, पहाड़ है, पहाड़ टर्बुलेंस डाल दिया, समुंदर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मतलब एक ही जैसा स्पीड अगर मान लीजिए आपका ज़मीन पर चल रहा है और पानी के ऊपर चल रहा है, पानी के ऊपर आपको ज़्यादा बिजली मिलेगा क्योंकि वो हवा शांत है, स्थिर है, और प्लस हम लोग ज़्यादा आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब आराम से देख सकते हैं कि समुद्र का क्या माहौल है, कैसा हालत है। और इस पर भी काफ़ी खर्च किया जा चुका है, मतलब 600-700 मेगावाट तक के प्लान आराम से अभी हैं, मतलब चल रहे हैं, प्लांट सब लगा के चल रहे हैं। तो आपको हिसाब ये देखना होगा कि आपको इन्वायरमेंट से कोई लेना देना हो चाहे नहीं हो, आपको अपने पॉकेट से तो है। चाइना सबसे पोल्यूटिंग कंट्री में गिना जाता है क्योंकि वो लोग कोयला जलाने टाइम कुछ नहीं सोचते और इसकी कीमत वो लोग भर रहे हैं। आप देख सकते हो कि मतलब कई बार आपको जैसे जैसे ठंडे का मौसम आएगा
स्मॉग कर कर करके आपको दिखाने लगेंगे, आने लगेगा। इस साल भी पोस्ट आएगा जिसमें कि मतलब बीजिंग में धूप ही नहीं निकल रहा है क्योंकि मतलब किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, फॉग और स्मोक मिल जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि कोल पावर प्लांट का एग्जॉस्ट जो होता है उसको फिल्टर करना होता है। वो लोग कई जगह पर फिल्टरिंग लगाए ही नहीं, वो मैंडेटरी किए ही नहीं। मतलब उनको सस्ता बिजली चाहिए था ताकि इकोनॉमी ग्रो करे, लेकिन उसका कीमत भरना पड़ रहा है कि मतलब इनके 4 से 4,500 लोग मतलब पर साल मरे जा रहे हैं लंग कैंसर के चलते, मतलब लंग डिजीजेस के चलते। तो वैसे हालात में आप ये सोचिए, आपको किस पर्यावरण से कोई लेना देना, लेकिन आपको प्रॉफिट से तो लेना देना है। कई हजार लाख करोड़ लोग मरने लग जाएंगे तो आप करोगे क्या? मतलब आप गवर्नमेंट हो, आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन गवर्नमेंट तभी तक चली नहीं जब कोई टैक्स भर रहा है। टैक्स भरने के लिए आपके आम लोगों की सेहत तो अच्छी होनी जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते ना कि दिन में आपको LCD स्क्रीन लगा के दिखाना पड़ रहा है सनराइज लोगों को, कि मतलब भाई लोग डिप्रेस नहीं हो जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए 3-4 दिन तक धूप आप ना देखो तो आप पगला जाओगे। इंसान बना नहीं है वैसा हैंडल करने के लिए, चमगादड़ नहीं है हम लोग। तो हिसाब यही आता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि कोयला का दाम बढ़े जा रहा है, तेल का दाम बढ़े जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये सब खत्म हो जाएगा। ये आपको अगर कोई बोलता है कि कल को तेल खत्म हो जाएगा, नहीं, खत्म नहीं होगा, इतना महंगा हो जाएगा कि उससे ऊर्जा निकालना नुकसान का सौदा पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका बिजली बिल आता है 100-200 रुपया, ठीक है आप दोगे, चलिए 3-3.5 हज़ार छोटे शहर में आ जाता है अगर आप AC लगाए हो, 5 से 10 हज़ार आता है अगर आप बड़े शहर में लगा रहते हो, लेकिन कहीं 60-70 हज़ार आने लगा तब तो आप बोले भाई क्षमा करो भैया, इतना बिजली नहीं, मतलब नहीं चाहिए हमको बिजली। एक हद तक ही आप खर्च कर सकते हो। तो ये सब जो जिसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, इसका मेन चक्र ये है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, ये सब कोल का दाम बढ़ रहा है और इन सब का दाम घट रहा है, क्योंकि ये सब नई टेक्नोलॉजी है। मतलब ये सब में काफ़ी चीज़ सीख चुके हैं हम लोग, मतलब एक्सपर्ट लोगों ने ये बनाया है। मतलब कोयला पावर प्लांट तो कई सारे तो ऐसे स्टूपिड डिज़ाइन पे बने हुए हैं कि क्योंकि 80 साल पहले बनाया था, 75 साल पहले बनाया था या 60 साल पहले बनाया था, मतलब डिज़ाइन देख के आप ही सिर पीट हो गए, यार ये ऐसा क्यों किया था, मतलब क्योंकि उस टाइम बनाया था। तो ये सब में काफ़ी दाम घट रहा है। सोलर तो ऑलमोस्ट पहुंच गया है दाम घटने पे, और इसका असर तो बने आपको बताया है कि अभी हम लोग 800 मेगावाट का नेशनल ज्योग्राफी पे तो डॉक्यूमेंट्री भी है इसके बारे में कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट है। तो ये सब मिला के आप ये समझिए कि ये सब कोई इसलिए नहीं कर रहा कि किसी को पर्यावरण से लेना देना है, सब इसलिए कर रहे हैं भैया प्रॉफिट आएगा, पॉकेट में पैसा आएगा एंड में, आप बस यही समझिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन विंड पावर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने मिला हो, कुछ मज़ा आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दो यार, नहीं है कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट लिखिए कि आप अगला एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे। याद रखिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी ज़रूर बजाइए, क्योंकि मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं क्या अपलोड कर रहा हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।